हेलो एंड वेलकम द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 3। ये हमारा क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का है अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है मुद्रा और साख। देखिए, आप मुद्रा और साख से क्या समझते हैं? सबसे पहले हम चैप्टर के नाम को समझ लेते हैं, तभी तो हमें चैप्टर समझ में आएगा आगे अध्याय। सबसे पहले अध्याय के नाम को देखते हैं। देखिए, मुद्रा क्या होती है? मुद्रा का मतलब जो आप समझ रहे हैं वही होता है। इससे हम किसी कोई भी चीज़ ले सकते हैं या खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। ठीक, किसी भी चीज़ को हम बेच सकते हैं, वो हमें मुद्रा में पैसे देगा, या जो हमें चीज़ खरीदनी है तो हम उसे मुद्रा देंगे। पैसे समझ सकते हैं आप, जो हमारे पैसे रहते हैं या हमारी कोई वस्तु हो गई, वो भी क्या मुद्रा का ही भाग है। ऐसी कोई भी चीज़ जिसके द्वारा हम कोई वस्तु खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, वो हमारी मुद्रा हो गई। आजकल हम ज़्यादातर रुपए का ही यूज़ करते हैं खरीदने या बेचने के लिए चीज़ों का, तो वही क्या है हमारी मुद्रा। और साख का मतलब होता है कर्ज, ऋण, कर्जा, ये सब हिंदी में बोलते हैं कर्ज या ऋण। ठीक, तो इसका मतलब ये होता है साख का। देखिए, आज चैप्टर को अच्छे समझते हैं। देखिए, मुद्रा विनियम का एक माध्यम। विनियम का मतलब क्या होता है? लेन देन, लेन देन। ठीक, देखिए मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोजाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। देखिए, हम मुद्रा का यूज़ रोजाना करते हैं। आपको पता है, आप दुकान जाते हैं टूथपेस्ट खरीदने के लिए, ब्रश खरीदने के लिए, या दूध खरीदने के लिए, बिस्किट खरीदने के लिए मुद्रा का यूज़ करते हैं, पैसे का यूज़ करते हैं। मतलब रोजाना आप कहीं ना कहीं मुद्रा का यूज़ करते ही हैं। हमारे चारों तरफ देखिए, आप किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई सौदों की पहचान कर सकते हैं। मतलब हम एक दिन में बहुत से ऐसे काम करते हैं जिसमें मुद्रा का यूज़ होता है। क्या आप इनकी एक सूची बना सकते हैं? बहुत से लेन देन में आप देखेंगे कि मुद्रा की जरूरी वस्तुएं खरीदी और बेची जा रही हैं। ऐसे कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जाती है। देखिए, गाँव में देखा होगा जो नाई रहता है, बाल काट के जाता है और गेहूँ या दाल कुछ भी लेके जाता है। मतलब पैसे का इस्तेमाल नहीं करता, वो सेवा देता है। ठीक है, लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान ना हो, केवल बाद में भुगतान करने का वादा हो। ये उधारी टाइप में हो गया। क्या आपने सोचा है कि खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है? हम कोई भी चीज मुद्रा के जरिए ही क्यों खरीदते हैं? ऐसा क्यों होता है? आपके दिमाग में आया होगा कि आप कहीं भी जाते हैं दुकान में या कहीं भी, तो आपको पैसे क्यों देने पड़ते हैं? देखिए, कारण बहुत सरल है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है, वह इसका विनियम किसी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है। फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए भी करता है। इसलिए मुद्रा का यूज़ लगभग हर जगह होता है। एक जूता निर्माता का उदाहरण देखते हैं। वह बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदने जाता है। ठीक, जूता बनाने वाला पहले जूतों के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा, फिर इस मुद्रा का इस्तेमाल गेहूं खरीदने के लिए करेगा। मतलब कोई भी व्यक्ति हो, वह अपनी वस्तुएं मुद्रा के द्वारा ही बेचेगा। वो मुद्रा लेगा और अपनी वस्तु को बेच देगा, क्योंकि तो जो चीज़ चाहिए वे मुद्रा के द्वारा ही प्राप्त की सकती है। देखिए, मुद्रा के आधुनिक रूप। आधुनिक मतलब नए युग, नए रूप। मुद्रा नए रूप कौन कौन से रूपों में है? देखिए, हमने देखा कि मुद्रा ऐसी चीज़ है जो लेन देन में विनियम का माध्यम बन सकती है, मतलब वस्तुओं खरीदने और बेचने में। सिक्कों के चलन से पहले ये तरह तरह की चीज़ें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। उदाहरण के लिए, सबसे पहले अनाज मुद्रा के रूप में यूज़ किया जाता था, उसके बाद पशु मुद्रा के रूप में यूज़ की जाती थी, इसके बाद सोना, चांदी, तांबे, इनके सिक्कों का चलन हुआ, जिसका चलन पिछली सदी तक रहा। तो पहले क्या मुद्रा किन किन रूपों में थी? सबसे पहले तो अनाज के रूप में, उसके बाद वस्तुओं के रूप में, सोना, चांदी, तांबे, इन सिक्कों के रूप में मुद्रा चलती थी। लेकिन नए रूपों में कौन कौन सी आ गई? करेंसी। करेंसी का मतलब होता है नोट।
ये किसी भी देश की ऐसी ठीक करेंसी है, जो हमारे देश में करेंसी में कौन चलता है, पैसे चलता है। मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज़ के नोट और सिक्के शामिल हैं। वे चीज़ें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने, सिक्कों से नहीं बनी। ये अनाज और पशुओं की तरह रोज़मर्रा की चीज़ें भी नहीं हैं। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है, ये कागज़ के नोट की तरह है। देखिए बैंकों में निक्षेप, देखिए लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं। किसी समय पर लोगों को रोज़मर्रा की आवश्यकता के लिए कुछ ही करेंसी की आवश्यकता की जरूरत होती है। मतलब मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपये हैं और आपको ज़रूरत है 10,000 रुपये, तो बाकी के आपने बैंक में जमा करा दिए 40,000 रुपये और 10,000 रुपये अपने पास रख लिए। तो आपके पास 40,000 रुपये ज़्यादा है तो आप वो जमा करा दोगे और बाद में जब जरूरत पड़ेगी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो निक्षेप का मतलब यही होगा। देखिए बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां, देखिए बैंकों की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं उसका भी क्या करते हैं? देखिए आपके पास पैसे आपने बैंक में जमा कर दिए, अब बैंक उस पैसे का क्या करेगा वो हम जानते हैं। देखिए बैंक के जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। उदाहरण के लिए आजकल भारत में बैंक जमा केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए ये प्रावधान किया जाता है। पास नकद के रूप में रखते हैं, देखिए किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा संभावना को देखते हुए रखते हैं ऐसा, ठीक। चूंकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद निकालने के लिए आते हैं, वो ज़्यादा अपने कैश नहीं रखते हैं। कैश का मतलब होता है नगद राशि। देखिए बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करती है। जो आप सुना होगा ना लोन, आपकी मम्मी लोग या पेरेंट्स लोग जो लेते हैं, पापा लोग लोन बैंक से लोन लेते हैं या होम लोन लेंगे या तो गोल्ड लोन कुछ भी लोन लेते हैं, तो बैंक इसी तरह से लोन देता है। देखिए गतिविधि ऋण की बहुत मांग रहती है, हम इसके बारे में आगे जाने आने वाले खंडों में और पढ़ेंगे, आने वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। बैंक जमा राशि का लोगों के ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करती है। यदि किसी को पैसे की ज़रूरत है तो बैंक से कर्जा लोन ले सकता है। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है जमा करता है एवं जिन्हें राशि की ज़रूरत है कर्जदार, दोनों के बीच मध्यस्थता बना रखती है, बैलेंस शीट। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। मतलब आपने बैंक में जितने पैसे जमा किए हैं उन पर कम ब्याज मिलेगा, लेकिन आपने बैंक से जो लोन लिया है उस पर ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्तर है, इसी से वो पैसे कमाते हैं। देखिए साख की दो विभिन्न स्थितियाँ, दो विभिन्न स्थितियाँ हमारी रोज़मर्रा की गतिविधियों में से ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जो किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। ये दो स्थितियाँ बनी हैं ऋण लेने की, वो देखते हैं हम। पहली स्थिति त्यौहार का मौसम, देखिए अब से 2 महीने बाद त्यौहार का मौसम है और जूता निर्माता सलीम के पास शहर के एक बड़े व्यापारी से 3,000 जोड़ी जूते की मांग आती है, जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है। उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है, उसे कच्चा माल भी खरीदना है। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम 2 स्त्रों से ऋण लेता है, स्त्रों को मतलब 2 जगहों से पैसे उधार लेता है। पहला वे चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का वादा करता है।
दूसरा, वह इस बड़े व्यापारी से 1,000 जूतों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नकद कर लेता है, मतलब 1,000 जूतों की पेमेंट पहले ले लेता है। महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचने का वादा करता है। महीने के आखिरी में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब होता है। उसे अच्छा खासा लाभ भी होता है और वह उधार के लिए धन की अदायगी भी कर देता है। देखिए, सलीम उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत को ऋण के द्वारा पूरा करता है। ऋण उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चे उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद करता है। वह अपनी कमाई भी बढ़ा पाता है। इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका अदा करता है। देखिए, कर्ज एक सकारात्मक भूमिका भी अदा करता है अगर हम सोचें तो, जैसे इस एग्जाम्पल से हमने समझ लिया। इसके बाद स्वप्ना की समस्या। देखिए, एक छोटी किसान स्वप्ना अपने 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है। वह इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज को अदा कर देगी। खेती के खर्चों के लिए साहूकार से ऋण लेती है। फसल पर कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है, उसकी फसल के बीच में बर्बाद हो जाती है। हालांकि स्वप्ना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयां छिड़कती है, अच्छी महंगी, जो क्या उसने उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह साहूकार कर्ज लौटाने में असफल रहती है और साल के अंदर यह कर्ज बड़ी रकम बन जाता है। अगले साल स्वप्ना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि वह अपना कर्ज वापस कर सके। वह कर्ज में फंस जाती है। उसे कर्ज को चुकाने के लिए अपनी ज़मीन का हिस्सा बेचना पड़ता है। तो ये क्या है, एक नकारात्मक प्रभाव है। कर्ज से हम फायदे में भी हो सकते हैं और नुकसान में भी हो सकते हैं। देखिए, ऋण लेने की शर्तें। हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है, जिससे कर्जदार महाजन को मूल रकम किसान अदा कर सके। इसके अलावा उदारता कोई समर्थक, मतलब अगर आप पैसे नहीं दे पाते हैं तो वो आप कुछ भी ले सकता है, आपकी बहुमूल्य चीज़ें ले सकता है, जैसे सोना चांदी घर, इन पे कब्जा कर सकता है। देखिए, होम लोन, आजकल होम लोन भी बहुत चल रहा है, ट्रेंड पे चल रहा है, आपने भी शायद लिया हो या आपके आसपास किसी ने लिया हो। देखिए, भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख। हमने ऊपर के उदाहरणों में देखा कि लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के ऋणों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण। देखिए, अनौपचारिक उदारता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि आते हैं। इनसे हम ऐसे ले लेते हैं, जैसे अपने कोई रिश्तेदार है हम उससे पैसे ले लेते हैं, या हमारे मालिक हैं उनसे ले लेते हैं, ये अनौपचारिक हो गया। लेकिन औपचारिक कौन कौन से हैं, जैसे व्यावसायिक बैंक हो गए, सहकारी समितियां हो गई, ये क्या है, हमारे औपचारिक है। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए सारांश पढ़ लेते हैं। देखिए, इस अध्याय में हमने मुद्रा के आधुनिक रूपों, बैंकिंग प्रणाली से इसके संबंधों को देखा। एक तरफ जमाकर्ता अपना धन बैंकों में रखते हैं, दूसरी तरफ कर्जदार बैंकों से ऋण लेते हैं। आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की जरूरत होती है। जैसा कि हमने देखा, ऋण के सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, कुछ परिस्थितियों में वे कर्जदार की स्थिति भी हो सकती है। मतलब कर्ज के 2 परिणाम हो सकते हैं, या तो फायदा भी हो सकता है कर्ज लेने से, या नुकसान भी हो सकता है। देखिए, ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के स्रोत हो सकते हैं ऋण लेने के। औपचारिक अनौपचारिक ऋणदाता में ऋण की शर्तों में बहुत फर्क हो सकता है। वर्तमान समय में अमीर परिवार
औपचारिक स्थितियों से ऋण लेते हैं, जबकि गरीबों को अब भी अनौपचारिक स्थितियों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह अनिवार्य है कि औपचारिक क्षेत्र के कुल ऋणों में वृद्धि हो ताकि महंगे अनौपचारिक ऋण पर से निर्भरता कम हो। साथ ही बैंकों और सहकारी समितियों इत्यादि से गरीबों को मिलने वाले औपचारिक ऋण का हिस्सा बढ़ना चाहिए। ये दोनों एकदम विकास के लिए ज़रूरी है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए डेली एक वीडियो लाते रहेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। और हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।